गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी का जो भी लेक्चर है वे टारगेट बच्चों के लिए हैं। टारगेट मींस जो नीट और जी देना चाहते हैं, यानी 12th पास आउट है उसके लिए ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। जो भी बच्चे 6 to 8 AM सुबह में थे, फिर 4 to 6 PM, 6 to 8 PM उस सभी के लिए ये अभी नहीं दे रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे कार्बोनियम आयन रिअरेंजमेंट, कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट, कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट। तो जहां कहीं भी रीअरेंजमेंट टर्म इस्तेमाल किया जाए, रीअरेंजमेंट टर्म इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब होता है व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, ठीक ठाक कर लेना अपने आप को, अपने आप को एक स्टेबल फॉर्म में, अस्थाई फॉर्म में कहीं बैठ जाना। तो सबसे पहले आपको हम ये क्वेश्चन पूछ देते हैं जो पिछले क्लास में मैंने जो करवा रखा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, उस पे पहले हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन। लेकिन याद रखें, जो जैसे ही आप YouTube को देखना स्टार्ट किए, आप लाइक और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें, इसमें कोई कंजूसी ना करें। तो यहां पे देखिए, ये कितने डिग्री का कार्बोनियम आयन कहेंगे? तो ये कार्बन यदि देखें तो ये इधर से 1 1 1 यानी 3 कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री का कार्बन है। ध्यान दें, ये कार्बन कितने डिग्री का है? 3 डिग्री कार्बन, इसलिए ये कहलाएगा 3 डिग्री अल्काइल कार्बोनियम आयन। ठीक है, ये कार्बन डायरेक्टली एक इधर से और एक इधर से 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन है, यानी 2 डिग्री अल्काइल कार्बोनियम आयन। और यहां पे ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए 1 डिग्री अल्काइल कार्बोनियम आयन। अब इसमें स्टेबिलिटी बात करना है, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो स्टेबिलिटी में यदि किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किसी के ऊपर क्या है, किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वे चार्ज जिस केस में जितना घटेगा स्टेबिलिटी उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल अनस्टेबल होता है। यहां पे अनस्टेबल का कारण क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। यदि इस कार्बन को आप देखें तो 3 बॉन्ड है और 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बना हुआ है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बात करेंगे, 6, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ। यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनर आ जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब यहां पे हम लोग ये जो देख रहे हैं वे प्लस आई है, वे प्लस आई है, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। इस केस में कितना प्लस आई है, 2, और इस केस में कितना प्लस आई है, तो 1।
तो इसीलिए स्टेबिलिटी यदि बात करेंगे तो 3 डिग्री अल्काइल, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल, उसके बाद 1 डिग्री अल्काइल, यानी कार्बोनियम आयन का ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही समझा रखा है, अब इससे आगे बात करेंगे कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट का। तो आगे बात करें अब, तो अब देखिए, वी नो दैट, हम कहेंगे अब, वी नो दैट 3 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल, जो अभी देखे हैं, दैट ऑफ 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। यानी हम ये जान गए हैं जो 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोनियम आयन में है, 2 डिग्री का स्टेबिलिटी ज्यादा है। यदि 3 डिग्री और 2 डिग्री कहा जाए तो 3 डिग्री का स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो एक कार्बोनियम आयन हमेशा इस तरह से होगा ताकि स्टेबिलिटी बढ़े। तो एक कार्बोनियम आयन have tendency to increases stability। एक कार्बोनियम आयन जो है हमेशा स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहेगा। इस बात को समझें आप लोग, जिस तरह से हम लोगों को जैसे ही भूख लगता है तो अपने आप हम घर में खाना लेते हैं या खुद से खाना बनाते हैं, उसी तरह से जहां कहीं भी कार्बोनियम आयन बने वहां पे अब समझ जाना है जो हमेशा ये टेंडेंसी रहेगा जो मोर स्टेबल से स्टेबल कार्बोनियम आयन की तरफ कार्बोनियम आयन जाना चाहेगा। ध्यान दें, कार्बोनियम आयन कैसे फॉर्मेशन होगा इसका कॉन्सेप्ट अभी मैंने इसमें नहीं समझा रखा है। अभी सिर्फ कह रहे हैं आपको, यदि कार्बोनियम आयन किसी भी रिएक्शन में बनता है तो कार्बोनियम आयन का ये टेंडेंसी होता है जो क्या करे, रीअरेंज करे। तो ये कार्बोनियम आयन हैव टेंडेंसी टू इंक्रीजेज स्टेबिलिटी बाय 1-2 शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्काइल ग्रुप। ए कार्बोनियम आयन हैव टेंडेंसी टू इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, टेंडेंसी बाय 1-2 शिफ्टिंग, आगे पता चलेगा कि 1-2 शिफ्टिंग क्या है, ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्काइल ग्रुप। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोनियम आयन बाय हाइड्रोजन शिफ्टिंग। यानी ये क्लियर हो गया, जो कार्बोनियम आयन में रीअरेंजमेंट 2 के कारण होगा, एक हाइड्रोजन के कारण और दूसरा अल्काइल के कारण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन के कारण। उससे पहले आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, जो जैसे ही किसी भी रिएक्शन में
कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है वे आगे पता चलेगा। तो उस सिचुएशन में उसमें रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो केश फास्ट कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट बाय हाइड्रोजन शिफ्टिंग, हाइड्रोजन के शिफ्ट करने से। चलिए एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये कितने डिग्री का कार्बोनियम आयन है, तो ये 1 डिग्री का कार्बोनियम आयन है, यहां पे ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, यदि इसमें इस तरह का शिफ्टिंग हो। देखिए थोड़ा सा मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। यहां पे ये जो हाइड्रोजन देख रहे हैं वे H माइनस बन करके रिलीज होगा, और जैसे ही यहां H माइनस बनेगा, हम तो आपको आज तक समझा रहे थे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जहां कहीं भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो वहां पे कार्बन निगेटिव होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन आज फर्स्ट टाइम आपको समझा रहे हैं जो यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो हाइड्रोजन क्या बन करके रिलीज होगा, H माइनस। और H माइनस को हम किस नाम से जानेंगे, हाइड्राइड के नाम से जानेंगे। देखिए ये मैकेनिज्म है बाबू, और मैकेनिज्म में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हमको याद रखना होता है। वैसा ही समझिए जैसा कि आपको कहीं जाना है किसी गांव, तो एक बार आपको जाने का रास्ता दिखा दिया जाएगा और दोबारा जैसे ही कहा जाए तो आप पहुंच जाते हैं, वही मैकेनिज्म है। तो इसमें जैसे ही कार्बोनियम आयन बने और कार्बोनियम आयन का क्या कॉन्सेप्ट समझे हैं, जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो याद रखना होगा जो उसमें हाइड्रोजन जो है H माइनस बन करके रिलीज होता है, यानी ये कौन सा फॉर्म में निकलता है, हाइड्राइड के फॉर्म में। अब जैसे ही यहां पे हाइड्रोजन माइनस बन करके रिलीज हो रहा है, इसका मतलब इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। दूसरी बात, यदि ये माइनस बन रहा है तो आसानी से यहां जाकर के अटैच्ड हो जाएगा, यानी अब जो है ये बन जाएगा CH, यहां पॉजिटिव, ये CH3। तो ये हम क्या देखे, जो 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, C+ लिखने का मतलब समझ जाइए कार्बोनियम आयन, और यहां ये कितने डिग्री का कार्बोनियम आयन बन गया, 2 डिग्री का कार्बोनियम आयन बन गया। तो ये हम जानते हैं जो लेस स्टेबल है, और ये क्या हो गया, मोर स्टेबल। दूसरी बात है जो यहां देखिए, ये 1 और ये 2 पोजीशन, ये अपने आप में यहां फंक्शनल ग्रुप की तरह से काम करता है, इसलिए ये 1 ये 2, तो केवल 2 से 1 पे गया है, इसलिए इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, 1-2 शिफ्टिंग। और कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट, ठीक है।
वन टू शिफ्टिंग क्यों कहा गया? क्योंकि ये सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे आया है। अब आपके दिमाग में लग रहा होगा जो देखिए क्या सर जी यहां से यहां आएगा, तो आप लोगों को अब खुद बताना है जो ये शिफ्ट इसलिए हुआ है, शिफ्ट लोग इसलिए होता है ताकि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जा सके। अब ये जानते हैं जो यहाँ पे हाइपर कंजुगेबल कितना था, दो हाइड्रोजन, अब कितना हो गया हाइपर कंजुगेबल, यहाँ पे सिक्स यानी मोर स्टेबल हो गया। यदि ये यहाँ से यहाँ फिर आ जाता है तो मतलब यही सिचुएशन आ जाएगा, इसलिए फर्दर कोई शिफ्टिंग नहीं होगा। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें, ठीक है। तो क्या समझे, जैसे ही हम लोगों को कार्बोनियम आयन दिखाई पड़ेगा किसी रिएक्शन में, जो आगे चल करके हम बात करेंगे, जैसे ही कार्बोनियम आयन देखेंगे, एक कार्बोनियम आयन का स्पेशल फीचर है, मतलब इसमें रीअरेंज होने का कैपेसिटी है, रीअरेंज करने का कैपेसिटी है, ये नेचर में एनालिसिस से पता चला, ठीक है। फिर से देखिए, चलिए देखिए, सबसे पहले ये नहीं जो देखें और फटाफट हाइड्रोजन को शिफ्ट कराने लगे, सबसे पहले आपको देखना है जो वे कितने डिग्री का कार्बोनियम आयन है। तो देखिए ये कितने डिग्री का कार्बोनियम आयन है, ये 1 डिग्री का कार्बोनियम आयन है। इसमें शिफ्टिंग होगा कि नहीं होगा, तो ये CH3, ये H जो है एक बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड बनाता है, देखिए यहाँ जो हाइड्रोजन के पास यहाँ जो इलेक्ट्रॉन देखे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के कांटेक्ट में भी है, इस कार्बन के कांटेक्ट में भी है और यहाँ भी कांटेक्ट होने जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड बनता है, ठीक है। आप जैसे ही ये इस तरह से शिफ्ट होगा तो बन जाएगा CH3, ये प्लस, ये CH3 बन गया, ये लेस स्टेबल, यहाँ पे ये लेस स्टेबल और ये लेस स्टेबल से हो गया मोर स्टेबल, क्लियर है बात। तो इस तरह से हम लोग कार्बोनियम आयन के शिफ्टिंग के बारे में समझेंगे, हमेशा इस तरह का शिफ्टिंग संभव है। फिर से देखिए, यानी हम लोग अभी समझ रहे हैं कार्बोनियम आयन का शिफ्टिंग। मान लिया जाए यहाँ पे ये कार्बोनियम आयन आपको किसी रिएक्शन के दौरान मिला, और जैसे ही किसी रिएक्शन के दौरान मिला कार्बोनियम आयन, तो अब देखना है जो इसमें शिफ्टिंग होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ये कितने डिग्री का कार्बोनियम आयन, तो ये जो कार्बन है एक इधर से, तो 2 डिग्री का कार्बोनियम आयन, ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है। यदि यहां से यहां तो हाइड्रोजन होगा, है ना, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, और यदि हाइड्रोजन होगा तो इसका शिफ्टिंग यहां आ जाएगा, सिंपली अब यही समझिए। अब जैसे ही ये शिफ्टिंग आ जाए तो
CH3 ये पॉजिटिव, यहाँ अब हाइड्रोजन हो गया दोनों का दोनों, अब ये कितने डिग्री का कार्बोनियम आयन, तो 3 डिग्री, और 3 डिग्री कार्बोनियम आयन तो ये मोर स्टेबल, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोनियम आयन रिअरेंजमेंट और 1-2 शिफ्टिंग कहेंगे। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो देखें अब सेकंड केस में बात कर रहे हैं कार्बोनियम आयन रिअरेंजमेंट बाय अल्काइल ग्रुप शिफ्टिंग, अल्काइल ग्रुप के शिफ्ट करने से। तो यहां पे फिर देखें जो कि क्या ये कितने डिग्री का कार्बोनियम आयन है, तो ये 1 डिग्री का कार्बोनियम आयन है, यानी प्राइमरी कार्बोनियम आयन। यहां से ये CH3 माइनस बन करके रिलीज होगा, इतना ही आप समझें। जो यहां जो लोगों का सोच है ये पॉजिटिव है, यहां से कोई भी मिलेगा तो निगेटिव मिलेगा, तो इसलिए ये CH3 ये पॉजिटिव, ये CH2 CH3 देखिए ये कितने डिग्री का, तो 3 डिग्री का, तो कह देंगे टर्शियरी कार्बोनियम आयन, यानी टर्शियरी कार्बोनियम आयन। तो इस तरह से अल्काइल के शिफ्टिंग से भी कार्बोनियम आयन के में रिअरेंजमेंट होता है। अगेन और एग्जांपल लेते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। देखिए आपको बार बार मैं ये कह रहा हूं कार्बोनियम आयन में ये एक स्पेशल फीचर है, आपको ये नहीं कहा जाएगा जो रीअरेंज कीजिए, यानी जैसे ही हम देखेंगे लेस स्टेबल कार्बोनियम आयन है तो वे मोर स्टेबल की तरफ जाएगा। फिर से देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसा है देख लीजिए इस बार ये कितने डिग्री के कार्बोनियम आयन है, तो ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, तो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है तो इधर के तरफ यदि शिफ्ट हो तो 1 डिग्री बन जाएगा, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई भी पार्टिकल हो वे मोर स्टेबल से स्टेबल की तरफ जाना चाहता है, तो यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होगा, लेकिन इधर की तरफ शिफ्टिंग ये संभव है, तो यहाँ से ये शिफ्ट होगा और बन जाएगा CH3 पॉजिटिव, ये CH3 यानी ये कितने डिग्री कार्बोनियम आयन, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, ये मोर स्टेबल और ये क्या कह देंगे लेस स्टेबल। ठीक है, तो अगेन नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। देखिए ये कितने डिग्री का कार्बोनियम आयन, 2 डिग्री का, यहां से शिफ्टिंग होगा कि नहीं, और यदि शिफ्टिंग होता है क्या बन करके रिलीज होगा, ये माइनस अटैच्ड हो गया और यहाँ पे प्लस आ गया, ये कितने डिग्री का, 3 डिग्री का, ये 2 डिग्री था, ये 3 डिग्री, इसीलिए संभव है शिफ्टिंग। तो इस तरह से हम लोग कार्बोनियम आयन में शिफ्टिंग संभव है ये रिएक्शन मैकेनिज्म के एनालिसिस से पता चलता है। तो फिर एक बार बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं, देख लीजिए। देखिए ये कितने डिग्री का कार्बोनियम आयन है बाबू, तो 1 डिग्री का है ना, अब क्या करेंगे इसमें शिफ्ट कराएंगे,
तो जैसे ही ये 1-2 शिफ्टिंग होगा CH, ये यहां पे आ गया होगा, तो ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, ये तो मोर स्टेबल है। अब अगेन यहां पे ये 3 डिग्री, ये CH2, अब देख लीजिए ये बन गया 3 डिग्री। अब सवाल है, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है आपका, यदि हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन भी शिफ्ट कर सकता है और CH3, ध्यान दें, मान लिया जाए यहां पे इस तरह से हम हाइड्रोजन दिखा दें, तो हाइड्रोजन का भी शिफ्टिंग है और अल्काइल ग्रुप का भी शिफ्टिंग है, तो दोनों ही शिफ्ट करने लायक हो तो हाइड्रोजन प्रेफर्ड किया जाएगा, यानी यदि शिफ्टिंग का चांस दोनों हो तो किसको प्रेफर्ड करेंगे, हाइड्रोजन को। इन शिफ्टिंग H- इज मोर प्रेफर्ड डाइट ऑफ CH3-, यानी H- और CH3- में कौन ज्यादा प्रेफर्ड होगा, तो H-। ठीक है, तो अगेन और एग्जांपल लेते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, लेकिन बीच बीच में ध्यान रखें, लाइक कीजिए भी, क्योंकि बहुत ही कंजूसी करते हैं, अरे लाइक करने में क्या जाता है आपको, सो बताइए, तो लाइक करने में आपको परेशानी हो रहा है क्या, उसमें भी आपको एनर्जी खर्च हो रहा है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोनियम आयन के शिफ्ट होने का, यानी 1-2 रिअरेंजमेंट। क्या बाबू शिफ्ट होगा? हाँ सर जी बना लेंगे। ठीक है बाबू, बना तो अभी लीजिएगा ही, लेकिन जो बात दिमाग में कहते हैं उसको रखें। क्या रखें? जो इसमें एक स्पेशल फीचर है जो अपने आप से करता है, यानी कार्बोनियम आयन जहां कहीं भी हम देखेंगे ये समझेंगे जो इसमें अपने आप ये नेचर होता है। तो जैसे ही यहां पे 1-2 शिफ्टिंग का बात करेंगे, 1-2 शिफ्टिंग का बात करेंगे, तो CH3 CH2 यहां आ गया होगा ये। ठीक है, ओके सर जी यहां से तो ये यहां आ जाएगा, फिर यहां भी आ जाएगा, यहीं रुक जाना है। जब आप कभी मौका मिलेगा या सुने होंगे बैंक में लोन लेने के लिए, तो आपका फ्यूचर प्लानिंग नहीं देखेगा, आपके पास बैक पूंजी अभी है कि नहीं करंट में भी देखेगा। ये जो मन का ख्वाब सोचिएगा, देखिए बैंक आज हम आगे जाकर के IAS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और तब आपका लोन चुकता कर देंगे, वो बैंक कहेंगे तुम पहले बन के आओ और इसके बाद मेरे से लोन लेना, वैसा ही यहाँ सिस्टम है। हम जानते हैं जो यहाँ के बाद इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, लेकिन ये कितने डिग्री का है, जिस तरह से ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, लेकिन आगे यदि बढ़े तो डिग्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। देख लीजिए इस तरह से ये डिग्री में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये पॉजिटिव CH2, ये भी 2 डिग्री, है ना। तो ये यहां से यहां का जो घटना है ये संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों सर जी ऐसा क्यों नहीं होता? तो ये नेचर का रूल है, ये नेचर का रूल है, हम तो उसी रूल का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो बस यहां पे शिफ्टिंग संभव नहीं है। फिर से एक बार समझे, बी कॉन्शियस, ये 1 डिग्री है, ठीक, 1 डिग्री से शिफ्ट करा करके हम 2 डिग्री लाए,
हम जानते हैं जो यहां से शिफ्ट होने के बाद ये 2 डिग्री आएगा और फिर यहां से शिफ्ट होने के बाद 3 डिग्री आ जाएगा, तो 3 डिग्री का स्टेबिलिटी 2 डिग्री से ज्यादा होगा, लेकिन इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि डिग्री में कोई चेंजिंग नहीं होता है, मतलब ये फ्यूचर प्लानिंग पे काम नहीं होता है, ये डायरेक्ट प्लानिंग पे काम होता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। कॉन्सेप्ट ऑफ रिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, बड़ा होना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है घट जाना, सिकुड़ जाना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब घट जाना, सिकुड़ जाना, छोटा हो जाना, और एक्सपेंशन का मतलब विस्तार। We know that, हम जानते हैं स्टेबिलिटी जो है, We know that स्टेबिलिटी ये जो दे रहे हैं इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। तो स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर होता है, क्यों होता है, भी अलग अलग समय में अलग अलग बात किए हैं, सुन लीजिए। ये हम लोग आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट से समझेंगे, तो पर CH2 यूनिट जो हीट है भी इसका सबसे कम इवोल्यूशन होता है पर CH2 यूनिट, इसीलिए स्टेबिलिटी ज्यादा। एंगल स्ट्रेंथ से देखेंगे तो इसका एंगल स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, इसीलिए सिंपली अभी आप याद रखें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है। और ये तो मैंने कल ही आपको बताया है पिछले ही क्लास में जो इस तरह से ऑर्डर होता है। तो यानी अभी आपको इतना समझाए, जो देखिए स्टेबिलिटी स्थायित्व का ये ऑर्डर है। अब यहां पे बात है तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिंग एक्सपेंशन, रिंग का विस्तार। तो देखिए हम लोग क्या बात करेंगे इसमें, यानी एक तो फीचर हम देखे हैं जो कार्बोनियम आयन में रिअरेंजमेंट होता है, और दूसरा फीचर देख रहे हैं जो रिंग में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो इस तरह का हमको रिंग मिला, ये कार्बोनियम आयन मिला। अब कार्बोनियम आयन जब मिला तो ऐसा यदि हो, ऐसा यदि हो रिएक्शन में तो क्या होगा, व्हाट। तो देखिए जैसे ही इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो यहां से समझिए जो ये बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, ये बॉन्ड है ना यहां पे, तो ये बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, और जब ये बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। यानी ये बॉन्ड ब्रेक किया, निगेटिव आ गया, और जब निगेटिव आ गया तो अब हम ये सोचेंगे जो ये दोनों मिल जाएगा, और जैसे ही मिल जाएगा तो इस तरह से यहां पॉजिटिव बन गया। यदि हम इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करें तब पर भी वैसा ही, मतलब ये कितने मेंबर का रिंग है, 5 मेंबर रिंग, और 5 मेंबर रिंग कितने मेंबर रिंग में बदल गया, 6 मेंबर रिंग, मेंबर रिंग। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं इसी का नाम है क्या, रिंग एक्सपेंशन, यानी छोटा रिंग से बड़ा रिंग हो जाना ही कहलाता है रिंग एक्सपेंशन। और ये हम लोगों को कार्बोनियम आयन जहां कहीं भी होगा ये समझ जाना है जो इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में ये अस्थाई होता है। तो यदि हम एक और ले लें, यहां पे मान लिया जाए ये 5 मेंबर का है,
और अब तो समझ गए जो क्या बन जाएगा, ये कितने मेंबर का रिंग, 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा, इसी को नाम रख दिया गया है रिंग एक्सपेंशन, है ना। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो ये सब का सब हम लोगों को जैसे ही हम रिएक्शन बात करेंगे उसमें आ जाएगा, इसीलिए इस कार्बोनियम आयन का फीचर दे रहे हैं। चलिए फिर देख लें छोटा सा बात, CH2+। आप देखे थे पिछले क्लास समझाए थे जो इसका जो स्टेबिलिटी है वे ट्रोपाइलियम आयन से भी बड़ा हो गया था, ट्रोपाइलियम आयन से भी बड़ा हो गया था, ये बात हम लोगों ने पिछले देखे। तो नहीं याद है देख लीजिए फिर से, यानी यदि आपसे हम पूछ लें, क्या पूछें जो बताइए इस दोनों में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका नाम साइक्लोप्रोपाइल केटाइन मिथाइल केटाइन होगा, तो इस दोनों में स्टेबिलिटी इसका, जबकि लग रहा है कि इसका होना चाहिए क्योंकि ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। तो यहां पे क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया जो ये 4 मेंबर का, यानी 3 मेंबर से 4 मेंबर, तो इसमें यदि होगा तो इस तरह का ब्रेकिंग होगा और ये बन जाएगा कितने मेंबर, ऐसा समझे बात। अभी जो जिस तरह से पीछे कॉन्सेप्ट समझाए तो ऐसा, लेकिन याद रखें जो इसमें ऐसा नहीं ऐसा होता है, यानी ये जो एक्सपेंशन है इसमें नहीं होता है, एक्सपेंशन नहीं, इसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन। कहने का मतलब यदि ये 4 मेंबर का है तो ये बदल जाएगा कितने मेंबर में, 3 मेंबर में, और इस सब का सब किसके कारण होता है, स्टेबिलिटी। तो इसीलिए ना मैकेनिज्म में आपको कहते हैं जो हम लोग धीमे धीमे पूरे को याद कर लेंगे, याद तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। यदि कोई उपाय बता रहे हो कोई सर तो हमको भी बताना, ऐसा दुनिया में कोई उपाय नहीं है जो ऐसा होता है, तो समझ गए। तो इस तरह से हम लोगों को ये एक यूनिक मिल गया जो 3 मेंबर से होना चाहिए 4 मेंबर, लेकिन इस ये लेस स्टेबल है, ये क्या है लेस स्टेबल, और ये क्या कह दीजिएगा मोर स्टेबल, इसलिए ये यहां कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सपेंशन नहीं। तो अगेन वीडियो को पॉज करें नोट करें। तो अब नेक्स्ट बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब टूटना, एनर्जी वर्सेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वर्सेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेकिंग ए बॉन्ड is called bond dissociation energy, उसको ही नाम रख दिया गया bond dissociation energy। bond dissociation energy inversely proportional stability of resulting कार्बोनियम आयन,
ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा वे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग कार्बोनियम आयन का। यानी कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी ज्यादा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम, और स्टेबिलिटी कम तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। यानी ये जो हम बात कर रहे हैं ये अलग हट के बात कर रहे हैं थोड़ा सा, तो देखें CH3 CH2 Cl CH CH3 Cl CH3 CH3 Cl ये थ्री है। सिंपली अब आपसे हम ये पूछते हैं, जो बॉन्ड लेंथ आप हमको बताइए, बॉन्ड लेंथ किसके बीच, Cl के बीच कार्बन और क्लोरीन के बीच क्या होगा। तो आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाए हैं उसके आधार पे सबसे पहले आप ट्राई करेंगे हमेशा हाइब्रिडाइजेशन। तो बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। बहुत बच्चे जैसे ही बोले आंसर दे दिए, लेकिन बहुत बच्चे अभी तक आंसर नहीं दिए हैं। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन से तो लग रहा है जो बॉन्ड लेंथ सभी का सेम होगा। दुनिया में जैसे ही नेम अलग हो जाए तो एक जैसा प्रॉपर्टीज नहीं होगा, वे निश्चित रूप से डिफर होगा ही, इसमें कोई सस्पिशन नहीं। तो इसका यदि हम नेम कहें तो इथाइल क्लोराइड, ये नेम कहें तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये नेम कहें तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो जब भाई नेम अलग है तो लेंथ अलग होगा, स्ट्रेंथ अलग होगा, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन बहुत बच्चे को लग रहा होगा जो सर जी बॉन्ड लेंथ सेम होगा, क्यों भाई, क्योंकि यहां पे कार्बन क्लोरीन इसके बीच है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, समझे बात को। दुनिया में जैसे ही नेम अलग है तो स्ट्रेंथ अलग है, स्टेबिलिटी अलग है, रिएक्टिविटी अलग है, मतलब जो भी बात करें सबका सब क्या होगा, अलग होगा। तो पहचानिए आप कैसे पहचानेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कार्बोनियम आयन में बदल देते हैं। ध्यान से देखें, ये कार्बोनियम आयन ऐसा होगा। हाँ सर जी ऐसा तो होगा, तो पहले दिमाग में क्यों नहीं आ रहा था बाबू, तो अब तो बता दिए, तो दिमाग में रखना है, कम से कम नहीं आए दिमाग में कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग में जितना इंटर करा दे उतना तो रखिए। तो ये अब आप देखें जो स्टेबिलिटी क्या होगा। हम मान लेते हैं ए बी सी, तो बता दीजिए अब आप लोग स्टेबिलिटी किसका ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किसका, सी का, उसके बाद बी का, और उसके बाद ए का। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। अब ये समझिए आप, जब ये मोर स्टेबल है तो ये जो टूटने का जो रेट है ये फास्ट होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे जैसे ही घर जाने का बारी आए, आप यहां पढ़ रहे थे पटना में और घर जाने का बारी आए, तो जिसको घर में स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है मतलब वहां भी परेशान होगा, जो पढ़ हो तो वे जल्दी जाना नहीं चाहेगा। लेकिन
जो मोर स्टेबल होगा, चलो वहां खेलेंगे कूदेंगे, तो वे फास्टली जाना चाहेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे ये मोर स्टेबल है, इसीलिए इस तीनों का यदि टूटने का बारी आए तो पहले ये टूटेगा, और जैसे ही इजी वे में टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका कम है, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ का बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ हम लोग क्या कह देंगे, थर्ड को। सही है गड़बड़ है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर से यहां पे आसानी से टूट गया क्योंकि ये मोर स्टेबल है, और जितने आसानी से टूट जाए उस केस में बॉन्ड लेंथ उतना ही बड़ा होगा, उस केस में बॉन्ड लेंथ उतना ही बड़ा होगा। तो बॉन्ड लेंथ जो होगा वे थर्ड का, उसके बाद सेकंड का, और उसके बाद फर्स्ट का। क्लियर है बात? अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का बात कर लें। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जब इसका लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेकेंड इस तरह से जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो कह दें जो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ यदि ज्यादा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा। फिर से एक बार समझे बाबू, तो सबसे पहले आपको हम हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर देखें बॉन्ड लेंथ। तो हाइब्रिडाइजेशन बता रहा है जो कार्बन और क्लोरीन के बीच सभी में बॉन्ड लेंथ बराबर है, लेकिन जैसे ही नेम अलग है तो स्ट्रेंथ भी अलग होगा। तो यहां पे अब हम क्या किए, ब्रेक कर दिए, कार्बोनियम आयन बना लिए। तो कार्बोनियम आयन में ये मोर स्टेबल हो गया, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसका मतलब टूटने का रेट सबसे ज्यादा, कार्बोनियम आयन बनने का रेट सबसे ज्यादा। और जैसे ही कार्बोनियम आयन बनने का रेट सबसे ज्यादा, मतलब आसानी से टूट गया होगा, और जैसे ही आसानी से टूट गया होगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, और बॉन्ड लेंथ बड़ा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, यानी बॉन्ड लेंथ बड़ा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। यानी एक और पॉइंट हमको मिल गया, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको मैं जब तक कंफ्यूजन छुड़ाऊंगा नहीं तब तक मैं रुकूंगा नहीं। तो अगेन पता करना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ही पता कर लेते हैं, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। तो दोनों एक साथ हो जाएगा हम लोगों को, किसके बीच पता करना है बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो कार्बन और ब्रोमीन के बीच। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी तोड़ना है, जैसे ही हम लोग इस तरह से इसको ब्रेक करेंगे तो ये कार्बोनियम आयन बन जाएगा, है ना, ये कार्बोनियम आयन बन जाएगा। अब यहां देखें इस तीनों में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा, ए बी सी, स्टेबिलिटी फाइंड कीजिए। तो स्टेबिलिटी यदि बात करें तो सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा, क्योंकि यहां डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, यहां ये प्लस एम इफेक्ट काम कर रहा है,
यहां यदि सोचेंगे तो माइनस एम का बात होगा, माइनस आई का बात होगा, और यहां प्लस आई और प्लस आर का बात होगा। तो एम इफेक्ट हम जानते हैं पावरफुल है, इसीलिए स्टेबिलिटी सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी। क्लियर है? जब स्टेबिलिटी पता कर लिए, इस केस का स्टेबिलिटी जाएगा, तो यहां पे जो बॉन्ड जो ब्रेक होगा वे आसानी से ब्रेक हो जाएगा, और आसानी से ब्रेक हो जाएगा इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका, तो जिसका स्टेबिलिटी कम होगा यानी बी का जो स्टेबिलिटी है वे कम है, इधर आना नहीं चाहेगा, लेकिन हम ब्रेक करेंगे, और यदि ब्रेक करेंगे तो इस केस में ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका स्टेबिलिटी कम है, और जिसका स्टेबिलिटी कम हो उधर जाना नहीं चाहता है, लेकिन हम भाई जबरदस्ती इसको ले जाना चाहेंगे तो एनर्जी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा डिमांड होगा। तो इसीलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेकेंड का, उसके बाद फिर देख लीजिए फर्स्ट का, और उसके बाद हो जाएगा थर्ड का। फिर से एक बार अच्छा से समझें, हमको पता करना है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ भी पता कर लेते हैं। देख लीजिए बॉन्ड लेंथ यदि आपसे हम पूछ रहे हैं तो ऑर्डर क्या होगा। तो अभी तो लग रहा है सभी का बॉन्ड लेंथ सेम, क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम, लेकिन कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी देख लीजिए, ये मोर स्टेबल है, और जब मोर स्टेबल है तो आसानी से आ गया होगा, टूट गया होगा, और जैसे ही आसानी से टूट जाए मतलब समझना है बॉन्ड लेंथ बड़ा है। तो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा किसका? थर्ड का। उसके बाद किसका? थर्ड के बाद फर्स्ट का, और उसके बाद हो जाएगा सेकेंड। जब बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम है ना, मिनिमम। तो इस तरह से हम लोग यानी कार्बोनियम आयन से रिलेटेड पॉइंट फिनिश कर लिए। अगले रोज हम बात करेंगे कार्ब एनायन। तो आप लोग वीडियो को वॉचिंग करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।